वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। तो दोपहर का आज लंच कर लिया झटपट। लंच में खाया हम तेलापिया माचे झोल और भेंडी भाजा, क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट गया था और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं किया। अभी गांव जाने का टाइम है, हो गया लगभग डेढ़ महीना है। तो गाँव जाते टाइम ना मैं थोड़ा सा मार्केट किया, मतलब ज़्यादा नहीं मेरे लिए, बाद में सबके लिए खरीदी मुझे सिलाई करना होगा तो इसलिए पहले खरीदा है। मैंने जैसे नॉर्मल धोती पहनते हैं ना ऐसा नॉर्मल ड्रेस पीस लिया और एक साड़ी लिया। चलो मैं दिखाता हूँ, ब्लॉग में तो शेयर करते हैं ना। ये हो गया, मैंने देखा था ना मैं। और ये है इस तरह, ये दुपट्टा, ये सलवार, दो कलर का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज है, हाँ हल्का मैंगो, मैंगो और पिंक कलर इस तरह का है। बस इसी तरह का साड़ी। तो कैसे लगे जरूर बताना, कमेंट करना, ठीक है। बाद में फोल्ड कर लूंगी। तो मार्केट से मैं यही लेके आया था, फिर बाद में खरीदूंगी। ओहो, और एक ब्लाउज है शायद। तो मार्केट से आने के बाद खाने में ऐसे बना लिया, फिर रात को मैं कुछ डिनर में क्या बनाता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलो रात को मैं झटपट डिनर में क्या बनाऊंगी वो दिखा दूंगी। और जो मेरा नया फ्रेंड उन सभी को बहुत सारा प्यार है मेरी तरफ से, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहना। और हेलो, मेरा ब्लॉगिंग कैसे हो रहा है प्लीज़ कमेंट करना। और मैं गांव जाके और भी अच्छा कुछ करके दिखाने की कोशिश करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो देखो फ्रेंड, मैंने चना बॉईल करके रखा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे आलू काट के रखा, जो मसाला चाहिए वो रेडी करके रखा। रे है ऑल फानुस बोलता है तेलापिया फिश, मैं उसको दोपहर को बनाया था और थोड़ा सा रात के लिए रखा था फ्रीज में, मैं उसे फ्राई कर लिया। और इस तरह मैं चना और आलू का सब्जी, चना आलू मसाला बना लूँगी। मैं फिश फ्राई लगभग हो चुके और रात को यही बनेगा, रोटी बनेगा बस, और आलू भजा डाल है बस, इसी में हो जाएगा रात का डिनर। तो ये देखो, जीरा, लाल मिर्च और तेजपत्ता का तड़का लगा दिया, उसमें हरी मिर्च और प्याज, वो है ना अदरक और लहसुन, थोड़ा मैंने कद्दूकस करके लिया था उसे मैंने मिक्स कर दिया। और अभी मसाला भी दे दूँगी, अदरक, जीरा, प्याज, लहसुन, उसे मैं एक साथ में ग्राइंड करके रखा है, तो जितना चाहिए मैं उस हिसाब से डाल दूँगी। तो खाना बनाते टाइम ने ना तेल वेल इधर उधर रख लेते, तो मैं थोड़ा थोड़ा पूछ लेता हूँ। ये देखो, जीरा, अदरक, प्याज और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला देके उसमें भी मिक्स करके रखा। और इसमें आधा स्पून ना मिर्च पाउडर, आधा स्पून धनिया पाउडर और आधा स्पून हल्दी पाउडर, ये सारे मसाला मैं अच्छे से भून लूँगी और बॉयल किया वाला चना इसे मिक्स कर दूँगी, तो हो जाएगा चना मसाला आलू के साथ, रोटी के साथ हो जाएगा। उस तरह राइस भी बनाऊंगी, तो राइस के साथ तो रात को ना दोनों ही बनते हैं हमारे घर, तो राइस भी और रोटी भी। तो ओ फानुस बोलते हैं ना, सॉरी फानुस नहीं, उसे ओल सुरन बोलते हैं शायद ओल को, हाँ तो हिंदी में उसे सुरन बोलते हैं। तो ओल मैं उसे फिश के साथ करी बनाऊंगी, ओल एड तेला फेमस झोल, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना। तो देखो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लिया और इसमें दे दिया प्याज, मिर्ची और जो बचा हुआ लगभग एक टेबल स्पून मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, बस ये मसाला भून के ये फिश का झोल बन जाएगा, करी बन जाएगा। फानुस मतलब सूरन के साथ पानी ऐड कर दिया, अभी फिश देके नमक देके मैं ढक दूंगी, तो बन जाएगा फिश का करी रात के लिए, रात का डिनर के लिए। और मैंने आटा भी मल लिया
आटा भी गूंद के रखा, तो उसे मैं अभी करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो देखो सब्जी, दोनों सब्जी बन चुका है और मैंने रोटी भी, आटा मन लिया, रोटी भी बना लिया, अभी फटाफट सेक लिया। ये देखो दोनों सब्जी बन के रेडी, और एक आलू भाजी भी हो, और दिखाने दोनों बनाया और रोटी भी बन के रेडी। अभी कुकर में दे दूँगी, राइस लगा दूँगी, कुकर में हो जाएगा। थोड़ा एक जन के लिए राइस बनाना पड़ता है और फिश फ्राई भी है थोड़ा, तो हमारे रात का डिनर झटपट हो जाए। कैसे लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना फ्रेंड, और मेरे साथ जुड़े रहना। ये देखो कुकर में मैं राइस लगा दिया, अभी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, तक फिर मिलेगा अगले ब्लॉग में। बाय।